नमस्कार, मैं हूँ रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्क्रीन वाला। मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 7 घंटे और 3-4 GB डेटा खर्च कर डाला बस एक उम्मीद पर। अफगानिस्तान के खिलाफ एक रोहित जिनका सरनेम शर्मा है, उन्होंने अपना कमबैक T20 में कर लिया था, तो मैं इस उम्मीद में था कि वो वाले रोहित जिनका सरनेम शेट्टी है, वो भी इंडियन पुलिस फोर्स से धमाकेदार कमबैक करेंगे, स्कॉर्पियो हवा में उड़ाएंगे, उनके गुड लुकिंग एक्टर कलेजा चीर देने वाले एक्शन सीक्वेंस करके दिखाएंगे और OTT पर हमको रोहित शेट्टी के ब्रांड का बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। इंडियन पुलिस फोर्स में कार हवा में उड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ लॉजिक और कहानी भी उड़ गई है। और कार तो फिर भी ग्रेविटी की वजह से वापस गिर जाती है, लेकिन लॉजिक और कहानी परलोक सिधार जाती है और साथ में ले जाती है मेरे 7 घंटे और 5 GB डेटा। अनलिमिटेड डेटा का इंतजाम तो चलो अंबानी जी ने किया हुआ है, लेकिन वक्त जो बर्बाद हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? IMDb की बढ़िया रेटिंग और फैंस के 5-स्टार रिव्यू देखकर मैंने इंडियन पुलिस फोर्स देखने का निर्णय लिया था, लेकिन ये मेरे लिए साल 2024 का पहला गलत फैसला साबित हो गई है। लेकिन आपका एक फैसला सही साबित हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कीवी ऐप का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को डाउनलोड करिए, आसान से सवालों के जवाब देकर बढ़िया क्विज खेलिए और ढेरों पैसे आप जीत सकते हो। जल्दी से कीवी ऐप को डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते तो भैया, जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको संक्षेप में स्टोरी सुना देता हूं इस वेब सीरीज की। दिल्ली में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बम धमाके कराती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के मास्टरमाइंड को पकड़ने का काम सौंपा जाता है दिल्ली पुलिस के स्पेशल फोर्स के कबीर मलिक यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा को, IG विक्रम बख्शी यानी विवेक ओबेरॉय को और तारा शेट्टी यानी शिल्पा शेट्टी को, बोले तो इन तीनों को। एक गुब्बारे बेचने वाले लड़के ने कचरे के डिब्बे में किसी को बम रखते देख लिया था। बच्चों की मदद से उस टेररिस्ट का जिसका नाम जरार है, जरार ने 5-6 लड़कों के साथ मिलकर यह पूरा प्लान अंजाम दिया था और दिल्ली पुलिस उन तक बहुत आसानी से पहुंच भी जाती है। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केस में वो घर के अंदर तो शूट आउट करती है, लेकिन छत पर एक पुलिस ऑफिसर लगाना भूल जाती है, जरार वहां से फरार हो जाता है और बाकी की कहानी उसको पकड़ने में लग जाती है। पहले इंडियन पुलिस फोर्स के पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो कम है और जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर तसल्ली से नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। तो ये पॉजिटिव चीजों में से एक है विजुअल्स। पहले एपिसोड के पहले मिनट में ही जिस तरह से बम धमाके होते हुए दिखाया गया है, आपको वो शुरू में ही जकड़ लेगा। पूरी सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा लगेगा और बाकायदा ओरिजिनल साउंड ट्रैक भी है इस सीरीज में। विशाल मिश्रा का गाया गाना भी रखा गया है जिसे सुनकर मजा आया, लेकिन मजा आने वाले ये मोमेंट कम ही हैं क्योंकि एक वेब सीरीज का सबसे स्ट्रांग पॉइंट होता है उसकी कहानी और इंडियन पुलिस फोर्स यहीं पर मात खा जाती है। इससे ज्यादा स्टोरी तो मैंने इंस्टाग्राम पे देख ली भैया। एक थ्रिलर सीरीज में हमें स्टोरी चाहिए होती है पहाड़ के रास्ते जैसी, जिसमें खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, लेकिन इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी चलती जाती है एक्सप्रेसवे जैसी, बिल्कुल सीधी, जिसमें आपको बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं आएगा। एंटी टेरर मिशन वाली वेब सीरीज कैसे बनाई जाती है ये रोहित शेट्टी, स्पेशल ऑप्स या फिर द फैमिली मैन देखकर सीख सकते थे। ये सीरीज देखने के बाद मुझे लगा कि मूवी डायरेक्टर को OTT डायरेक्टर नहीं बनना चाहिए क्योंकि कहानी में इतने लूप होल हैं कि आपको बताने बैठ गया तो आप कहोगे कि ये क्या है बेन स्टोक्स। चलो एक बता देता हूं, एक टेररिस्ट जिसका नाम है शादाब, वो पहले गुजरात में धमाके करता है, उसके बाद दिल्ली में भी बम प्लांट करता है, लेकिन इतने महीनों से वो अपना सिम चेंज नहीं करता, सेम सिम चलाता है और मस्त अपनी फैमिली से भी बतियाता है। रोहित शेट्टी भाई, ये सीरीज देखकर टेररिस्ट लोग भी बोलेंगे क्या? अबे साले। परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शिल्पा शेट्टी सुंदर तो लगे हैं लेकिन प्रभावशाली नहीं। लेकिन इनको भी मात दे दी है मयंक टंडन ने, जिन्होंने टेररिस्ट जरार का किरदार अदा किया है। दिक्कत यह है कि वो टेररिस्ट लगते ही नहीं है, वो जब स्क्रीन पर आते हैं आपको डर ही नहीं लगता। सुनने में आया कि मयंक 2013 के बाद से रोहित जी की फिल्मों में AD रहे हैं, लेकिन 11 साल के बाद जब उन्हें एक्टिंग का मौका मिला तो वो भी ठीक से नहीं कर पाए। विवेक ओबेरॉय को पूरी तरह से वेस्ट किया गया है क्योंकि उनका रोल छोटा है। वेल, काश ये वेब सीरीज छोटी होती, लेकिन मेरी तरह अगर आप भी 7 घंटे और 5 GB डेटा बचाना चाहते हैं तो इंडियन पुलिस फोर्स को छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल खाली हैं, आपकी 2.5-3 घंटे की फ्लाइट है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं, तो कर लो डाउनलोड और देख डालो। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लगी कैसी आपको। जो भी आपका ओपिनियन हो शेयर जरूर करना और स्क्रीन वाला को सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।